पनीर के क्यूब को पहले फ्राई कर देंगे, तो उसके बाद मशरूम नहीं फ्राई करोगे? अब ऐसी बातें करोगे साले? पहले हम मतलब पनीर के क्यूब्स को फ्राई कर रहे हैं। ये सारा सामान रखा हुआ है ना पूरा? ये मसाला कैसे बनाने ये वाला? ये इसमें क्या क्या है? घर का गरम मसाला है, हल्दी है, सूखी धनिया और गोल्डी का मीट मसाला। अभी अदरक लहसुन पत्ती तो प्याज हमने प्रेस कर लिया है ना पूरा? ये मिर्च किस लिए डाली है? पेस्ट। ये काली मिर्च, काली मिर्च, इलायची, लौंग, इसका फ्लेवर अलग ही आता है। जब ये प्याज सुनहरा हो जाए, कैसा हो जाए? सुनहरा सुनहरा। फिर इसके बाद टमाटर, हमने जो मसाले का पेस्ट बनाया है वो मसाला डालेंगे उसमें। और नमक तो आपको पता ही, हमेशा की तरह स्वाद अनुसार। काफी सही ग्रेवी लग रही है ना? अब इसको धीमी आंच में थोड़ी देर पकने के लिए रख देंगे ताकि हमारी ग्रेवी जो है वो अच्छे से तैयार हो जाए। स्टार्ट करना तो बता देना, रुको ना। अब देख रहे हैं ये ग्रेवी जो है थोड़ी थिक हो गई है, तो हम क्या करेंगे इसमें ये जो मशरूम है उसमें मटर और पनीर और फिर ये पनीर। इसको हम मिक्स करेंगे। Indeed. थोड़ी देर इसको धीमी आंच में हम ऐसे पकने देंगे इसको, फिर हमारी सब्जी तैयार।
अब वो पक गई है ना। जैसे कि हम लोगों को ग्रेवी वाली बनानी है तो हम लोग उसमें थोड़ा पानी डाल देते हैं हल्का सा, अगर ग्रेवी ज़्यादा थिक हो तो उसको हल्का करने के लिए पानी मिला दो ना। अभी पक गई है, बस पकने वाली है। इसमें हमें धनिया डालनी है और फिर हमारी मशरूम पनीर तैयार। अब जाके थिक हुई है ना पूरी ग्रेवी, सारे मसाले बस अब बिल्कुल तैयार है पक के। अभी बस धनिया डालते हैं। फाइनली हम लोगों की पनीर मशरूम ग्रेवी तैयार हो गई है और इसमें तो हमारी बनकर तैयार है मशरूम पनीर मटर।